is about. Hip hop isko cringe mat banao. Jo pad patti ko hoot mat bulao. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमिवे ने कर्मा एंड कृष्णा के न्यू ट्रैक टोनी मोंटाना के बारे में क्या कहा है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहेगा और साथ साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कलमकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक ट्रैक रिलीज हुआ जिसका टाइटल है टोनी मोंटाना। और दोस्तों, इस सॉन्ग को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कर्मा एंड कृष्णा दोनों ने ही इस सॉन्ग में एमिवे को सबनिमल शॉट्स दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस सॉन्ग से रिलेटेड एक अजीब चीज भी सामने आई है और वह है इस सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अगर आप लोग इस सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आप लोग देखोगे कि कहीं भी म्यूजिक डायरेक्टर को क्रेडिट नहीं दिया गया है। और दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है और वह है म्यूजिक डायरेक्टर को कॉपी करना। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एमिवे का एक ट्रैक आया था जिसका टाइटल था गेस, और उस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर थे कपू बीट्स, जो कि कृष्णा के ट्रैक आई गेस के थे। एंड इसके अलावा दोस्तों, जब कृष्णा का एक डिस ट्रैक आया था मचाएंगे फोर, तो उसके म्यूजिक प्रोड्यूसर थे पेंडो 46, जो कि ज्यादातर एमिवे के सॉन्ग के म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं। तो दोस्तों, कर्मा एंड कृष्णा ने शायद इसीलिए म्यूजिक डायरेक्टर को क्रेडिट ही नहीं दिया है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर एमिवे वंटाय ने टोनी मोंटाना सॉन्ग के बारे में क्या रिएक्शन दिया है। दोस्तों, एमिवे वंटाय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है, खुद हिप हॉप में गंदगी फैला रहे ले और कहते हिप हॉप को क्रिंज मत बनाओ, एक आए या हजार सबको अकेले पेलूंगा हर बार, खुद के दम पर बना हूं पीछे कैसे हट सकता हूं यार, बाकी बातें न्यू ट्रैक में पब्लिक। एंड इसके अलावा दोस्तों, हमें एमिवे की तरफ से कल एक ट्वीट भी देखने को मिला था जिसमें कि उन्होंने लिखा था #quotes। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एमिवे वंटाय कर्मा एंड कृष्णा के लिए भी एक नया डिस ट्रैक लाने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी रिकमेंड कर दें, और साथ साथ ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।